पेट्रोल एवं डीजल के बढ़ते दामों से जहां एक ओर सरकार के प्रति आम जन में रोष का माहौल व्याप्त है, वहीं विपक्षी दलों ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। शुक्रवार को इनेलो एवं बसपा गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार से दाम में कटौती की मांग करते हुए प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। ये मुद्दा है सारा पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं उसके खिलाफ आज हम सारे इनेलो के युवा साथी, बहुजन और इनेलो समाज पार्टी के जो युवा साथी हैं, सब साथियों ने मिलकर के इस काम को अंजाम दिया। हलका प्रधान हरि सिंह महरिया ने कहा कि उनकी सरकार से मांग है कि पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की जाए, वरना प्रदर्शन को उग्र किया जाएगा। हिंद एक्सप्रेस के लिए चौहाना से नवल सिंह की रिपोर्ट।